वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज है 15 अप्रैल 2020 और 15 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आज हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना को फैलने से रोकने हेतु तथा इसको समाप्त करने हेतु देश भर में किए गए लॉकडाउन की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। तो 3 मई तक के लिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया जाए। अभी तक लॉकडाउन पार्ट वन चल रहा था, अब लॉकडाउन पार्ट टू है। तो 14 अप्रैल 2020 के ही दिन यानी कल के ही दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को संबोधित किया और उनसे 7 अपीलें की और लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए उन्होंने अपीलें की हुई है। तो कब तक के लिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है, 3 मई तक के लिए जो है भारत सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा प्रीमियम ट्रेनों, एक्सप्रेस ट्रेनों, पैसेंजर ट्रेनों, उपनगरीय ट्रेनों, कोलकाता मेट्रो रेल, कोंकण रेल इत्यादि सभी भारतीय रेल की पैसेंजर ट्रेन कब तक के लिए निलंबित कर दी गई है। तो 3 मई तक के लिए रेल मंत्रालय द्वारा सभी प्रकार की पैसेंजर ट्रेनों को निलंबित कर दी गई है, 3 मई तक के लिए, ये बात आपको याद रखना है। और अब यहाँ बात आई रेल मंत्रालय की, तो रेल मंत्रालय से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो रेल मंत्रालय से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो रेल मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और अभी वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल ये वर्तमान में अभी रेल मंत्री हैं। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे, आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना के कारण एक बार फिर से आईपीएल को टाल दिया गया है, मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब आईपीएल किस माह से पूर्व होने की संभावना नहीं दिख रही है। तो अभी दिसंबर के पहले आईपीएल होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, एक बार पहले भी टाला गया था और फिर से कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप के कारण आईपीएल को फिर से टाल दिया गया है। तो कब तक के लिए, दिसंबर के लिए टाल दिया गया है। अब यहाँ पे बात आई आईपीएल की, आईपीएल क्या है, तो आईपीएल से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हें आपको याद रखना है। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। तो अब यहाँ बात आई कि आईपीएल में टीमों की संख्या कितनी होती है, आपको याद रखना है 8 टीमें होती हैं इनमें। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2008 में भारत में। और इसके संस्थापक कौन हैं, इनके संस्थापक हैं ललित मोदी इनके संस्थापक हैं। तो आईपीएल से इतने क्वेश्चन बन सकते थे। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई एक डील के मुताबिक किसने भारत को हार्पून एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो देने का निर्णय लिया है। तो अभी अभी एक डील हुई है, उसके मुताबिक भारत को हार्पून एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो देने का सौदा किया गया है। तो ये सौदा किनके द्वारा हुआ है, अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिका भारत को हार्पून एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो देगी। अब यहाँ पे बात आई हार्पून मिसाइल की, सबसे पहले जानते हैं कि हार्पून एंटी शिप मिसाइल क्या है, इसकी क्या कैपेसिटी, इसके बारे में जानते हैं। तो हार्पून मिसाइल एंटी शिप मिसाइल है और टॉर्पीडो को P-8I विमानों से टारगेट किया जा सकता है। टॉर्पीडो को जो है P-8I विमानों से टारगेट किया जा सकता है। तो दो बातें आई, हार्पून क्या है, तो हार्पून एक एंटी शिप मिसाइल है, और टॉर्पीडो क्या है, तो टॉर्पीडो को P-8I विमानों से टारगेट किया जा सकता है। हार्पून मिसाइल की कीमत करीब 7 अरब, याद रखिएगा हार्पून मिसाइल की कीमत करीब 7 अरब और टॉर्पीडो की कीमत है 4 अरब 80 करोड़। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 11 अरब 80 करोड़, यानी कि कुल सौदा की बात की जाए तो कुल सौदा कितने की हुई है, 11 अरब 80 करोड़ की, किसके बीच, भारत और अमेरिका के बीच। इसमें अमेरिका भारत को ये दोनों ही चीज़ें देंगे, हार्पून एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। अब बात यहाँ पे अमेरिका की भी आई है, तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिका की कैपिटल कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका की प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन, यानी कि इन्हें शॉर्ट में आसियान कहा जाता है, के नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से COVID-19 संकट से निपटने से संबंधित रणनीति पर विचार किया। इसकी अध्यक्षता किसने की, आपको बताना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की है। तो अभी जो है कोरोना से निपटने के लिए आसियान के जितने भी नेता हैं, आसियान संगठन के जितने भी नेता हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर विचार किया है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की है, इसकी अध्यक्षता की है ग्वेन जुआन फुच ने। ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। अब इसमें बात आई कि ये जो आसियान सम्मेलन हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, इसमें किसने किसने भाग लिया, इनके बारे में आपको जानना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो इसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के शासन प्रमुखों ने हिस्सा लिया है। तो इतने देश के शासन प्रमुखों ने इसमें हिस्सा लिया है, आपको याद रखना है। इसके बाद आसियान के तीन सहयोगी देश हैं, जैसे कि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। तो ये जो तीन सहयोगी देश हैं, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, इन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है। अब यहाँ बात आई आसियान की, तो आसियान के बारे में जानते हैं, आसियान क्या है, कब स्थापना हुई, मुख्यालय कहाँ है, ये सारी बातें एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जानना आवश्यक है। तो आसियान, सबसे पहले आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई है, तो स्थापना हुई है 8 अगस्त 1667 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है जकार्ता, जो कहाँ है, इंडोनेशिया में, यहाँ इसका मुख्यालय है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आती होगी, वीडियो के साथ बने रहें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किम इल सुंग की 108वीं जयंती पर मध्यम दूरी की क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। तो अभी अभी उत्तर कोरिया ने किम इल सुंग की 108वीं जयंती पर मध्यम दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। अच्छा, तो यहाँ बात आई किम उल सुंग की, आपको जानना होगा कि ये कौन है जिनकी जयंती पर इन्होंने मिसाइल का परीक्षण किया है। तो उत्तर कोरिया ने ये मिसाइलें अपने संस्थापक यानी किम इल सुंग को उत्तर कोरिया का संस्थापक माना जाता है, और इन्हीं की 108वीं जयंती पर क्रूज मिसाइल का परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। इसके बाद अब बात आई उत्तर कोरिया की, उत्तर कोरिया के बारे में जान लेते हैं। उत्तर कोरिया के, सबसे पहले उत्तर कोरिया की कैपिटल कहाँ है, तो इसकी कैपिटल है प्योंगयांग, कहाँ है, प्योंगयांग। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, किम जोंग उन। और यहाँ की करेंसी क्या है, उत्तर कोरियाई वॉन यहाँ की करेंसी है। आपको जो चीज़ें याद नहीं रहती है उसे आप बार बार रिपीट करें, आप इस वीडियो को एक बार दो बार देखें, आपको ज़रूर याद रह जाएगी। और जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो मैं बार बार बोलता हूँ, और आप बार बार सुनेंगे तो निश्चित तौर पर 100% वो आपको याद रहेगी। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरलाइन ने लॉकडाउन के विस्तार के बाद अपनी उड़ान सेवा 4 मई से शुरू करने की घोषणा की है। तो अभी अभी एयरलाइन इंडिगो ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए अपनी उड़ानें 4 मई से शुरू करने की घोषणा की है इंडिगो ने। बात आई इंडिगो की, तो इंडिगो के बारे में जानते हैं। तो इंडिगो की स्थापना सबसे पहले कब हुई है, 2006 में हुई है। और इंडिगो के संस्थापक कौन थे, तो राहुल भाटिया का नाम आपने सुना होगा, राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल, राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल इसके संस्थापक हैं। मुख्यालय है गुरुग्राम में, और इसके सीईओ कौन है, रोनो दत्ता इनके सीईओ हैं। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शिक्षा में निरंतरता रखने हेतु स्माइल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो अभी अभी राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जो शिक्षा में निरंतरता में कमी आई है,
शिक्षा बाधित हुई है उन्हें निरंतर रखने हेतु एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसका नाम है स्माइल। और ये किसने शुरुआत की है? राजस्थान सरकार ने शुरुआत की है। अब यहाँ पे बात आई राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में जानना आवश्यक है। राजस्थान के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत। राजस्थान की कैपिटल कहाँ है? तो यहाँ की कैपिटल है जयपुर। और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र। इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। अब यहाँ पे बात आई कि ये जो प्रोजेक्ट है स्माइल प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या किया जाएगा, इस प्रोजेक्ट के बारे में आप थोड़ा सा जान लें। इस प्रोजेक्ट में 20,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। कितने? 20,000 व्हाट्सएप ग्रुप। और इसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स को जोड़ा जाएगा और उन्हें जोड़कर स्टडी मटेरियल प्रदान किया जाएगा। स्टडी मटेरियल व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से शिक्षा में निरंतरता रखने हेतु राजस्थान सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास कहा जा सकता है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MHRD द्वारा कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसके अंतर्गत ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने हेतु नया कैंपेन को चलाया जाएगा? तो भारत पढ़े ऑनलाइन, ये नया कैंपेन चलाया जा रहा है। किनके द्वारा? MHRD के द्वारा। MHRD क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। अब सबसे पहले हम कैंपेन की बात करते हैं, MHRD के बारे में बाद में जानेंगे, पहले कैंपेन के बारे में जानते हैं। कैंपेन क्या है? यह कैंपेन एक सप्ताह का होगा। इसमें ऑनलाइन एजुकेशन को इम्प्रूव करने हेतु नए आइडियाज की खोज की जाएगी। तो इस कैंपेन में क्या होगा, ऑनलाइन एजुकेशन कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, इसके लिए नए नए खोज, नए नए प्रयोग किए जाएंगे। तो ये थे कैंपेन। अब आई बात MHRD की, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें जो है इसकी एंट्री की लास्ट डेट होगी 16 अप्रैल। 16 अप्रैल तक इसमें जो है लोग भाग ले सकेंगे इस कैंपेन में। MHRD मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? तो MHRD मिनिस्टर वर्तमान में है रमेश पोखरियाल निशंक। स्थापना कब हुई MHRD की? 26 सितंबर 1985 को स्थापना हुई है MHRD की। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 2020 तक कितने लोगों के पास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के जरिए मदद पहुंची है? तो 32 करोड़ लोगों को 30 अप्रैल 2020 तक DBT के जरिए 32 करोड़ लोगों को जो है डायरेक्ट मदद पहुंची है। और इसके अंतर्गत जो है क्या होता है, आपको याद रखना है कि गरीबों के खाते में लगभग 29,352 करोड़ रुपए सीधे पहुंचाए गए हैं। 29,352 करोड़ रुपए सीधे पहुंचाए गए हैं। इसमें से कुछ को पहुंचने बाकी भी हैं। 30 अप्रैल तक सबों के खाते में ये राशि पहुंच जाएंगे, बहुतों को पहुंच भी चुके हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के दक्षिण एशियाई आर्थिक फोरम आर्थिक अध्ययन के अनुसार COVID-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में किस देश की आर्थिक विकास दर वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद सबसे खराब रहने की संभावना है? तो 1991 का जो उदारीकरण था उस समय तो स्थिति खराब थी ही, उसके बाद अगर सबसे खराब स्थिति होगी किसी देश की तो वह है भारत। क्योंकि इसका जो विकास होगा, इसका जो ग्रोथ होगा वो 1.8% से 2.8% के बीच में रह सकता है। तो विश्व बैंक के एक आंकड़े के अनुसार दक्षिण एशियाई क्षेत्र के 8 देशों की आर्थिक वृद्धि, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जितने 8 देश हैं, इस 8 देशों की आर्थिक वृद्धि 2020-21 में 1.8% से ओनली 2.8% रहेगी। और ये जो आपने ये अनुमान देखा 1.8 से 2.8%, यह अभी 6 महीने पहले जबकि कोरोना का प्रकोप नहीं था, यह अनुमान था 6.3% का। तो कितना बड़ा चेंजिंग है आप ये देख सकते हैं। सिर्फ कोरोना के कारण 6.3% से 1.8 to 2.8% के बीच में आ चुकी है
ग्रोथ रेट। तो ये थे इसके क्वेश्चंस। अब यहाँ पे बात आई विश्व बैंक की, तो इन्हें भी थोड़ा देख लेते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है आपको याद रखना है, वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है, 1944। कहीं कहीं आपको ये 1945 भी दिखाई देगा, तो अगर 94 होगा, 1944 होगा, तो 1945 ऑप्शन में नहीं दिए हुए रहेंगे। इसके बाद विश्व बैंक के सीईओ कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ये है विश्व बैंक के सीईओ। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा अवधि किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है। तो अभी कोरोना के कारण विदेशी जो जितने भी फ्लाइट्स वगैरह हैं, जाने आने के साधन हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है। तो कुछ विदेशी भारत में फंसे हुए हैं, और उनकी जो वीज़ा की एक लिमिट थी, जो अवधि थी, वो अवधि अब फैल हो चुकी है। तो अभी गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है उनके हितों में, और इसके अनुसार क्या किया जाएगा, विदेशी नागरिकों का जो वीज़ा है उसमें अवधि का विस्तार किया गया है। तो कब तक का, 30 अप्रैल तक का उसमें विस्तार किया गया है। अब जो है, अब बात आई यहाँ पर गृह मंत्रालय की, तो हम लोग गृह मंत्रालय की बात करेंगे। तो गृह मंत्रालय की स्थापना कब हुई है, ये तो जानते ही होंगे आप, जब भारत आज़ाद हुआ था उसी समय 15 अगस्त 1947 को ही इसकी स्थापना हो गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। तो आज के ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग आज के प्रश्न पे, और इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस मनाया है, यह दिवस निम्न में कब मनाया गया। आपको इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।